ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास द लास्ट लेसन की समरी को। ठीक है, बिफोर दैट गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो गाइज, जो ये लास्ट लेसन है, इनके ऑथर हैं हमारे अल्फोंस डोडेट। ठीक है, और ये लास्ट लेसन है, इसमें ऑथर ने नरेट किया है 1870 की स्टोरी, जब फ्रांस को कैप्चर कर दिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था प्रसिन द्वारा, यानी कि जर्मन द्वारा। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। तो इस जो स्टोरी है, इसमें एक लड़का था जिसका नाम था फ्रेंच, और जो कि एक फ्रेंच बॉय था। ठीक है, और काफ़ी लेज़ी लड़का था वो, और लेज़ी के होने के बावजूद उसे बहुत पसंद था खेलना, यानी कि आप समझ सकते हैं लेज़ीनेस बच्चे की कब आती है, जब उसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो लेज़ीनेस उसकी पढ़ने में ही आती थी, लेकिन खेलने के लिए वो एकदम एक्टिव था और काफ़ी सेंसिटिव नेचर था उसका। और फ्रेंच का एक टीचर था जिससे वो काफ़ी नफरत करता था, और उसका नाम क्या था, एम हेमल। ठीक है, एंड उससे क्योंकि वो नफरत क्यों करता था, बेसिकली वो एक था जो एम हेमल था, वो एक फ्रेंच टीचर था, और फ्रेंच को फ्रेंच लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि वो फ्रेंच लैंग्वेज अभी सीख ही रहा था। ठीक है, फिर एक ऑर्डर आया गाइस बर्लिन द्वारा, जिन्होंने कब्जा कर लिया था दो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस की, जिसका नाम है एल्सेस एंड लोरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट थी गाइस फ्रांस की, जिसे कैप्चर कर लिया गया था जर्मनी द्वारा। ठीक है, और वहाँ ऑर्डर दे दिया गया था कि अब फ्रेंच लैंग्वेज को स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, अब सिखाई जाएगी जर्मन लैंग्वेज। जिसकी वजह से जो फ्रेंच के टीचर थे वहाँ, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे जो सिखा रहे थे, उनको स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए गाइस, जो एम हेमल था वो स्कूल में उसका लास्ट दिन था, और वो लास्ट लेसन पढ़ाने वाला था फ्रेंच लैंग्वेज का। और आपको बता दें कि एम हेमल इस स्कूल में 40 साल से काम कर रहा था, और उसे उसमें जो देशभक्ति की जो फीलिंग थी वो काफ़ी भर भर के भरी पड़ी थी। ठीक है, एंड ही इज़ ऑल्सो फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ग्रीफ, यानी कि वो काफ़ी दुखी भी था, क्योंकि उसे अब छोड़ के जाना पड़ेगा, स्कूल ही नहीं वो पूरा डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो गांव के लोग थे गाइज, उस लास्ट लेसन को अटेंड करने आए, और टू ऑनर और टू रिस्पेक्ट हिम। ठीक है, एंड द विलेजेस, जो विलेजेस थे ये भी रिग्रेट कर रहे थे कि उन्होंने अपने बचपन में फ्रेंच लैंग्वेज को क्यों नहीं सीखा, क्योंकि गाइज फ्रेंच लैंग्वेज उनकी मदर टंग और उन्हें सीखना चाहिए था। क्योंकि गाइज, अगर आप दूसरे बंदे को जर्मन लैंग्वेज आती है, और अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है, अगर आप उसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, तो फ़ायदा क्या है लैंग्वेज सीखने का। सो जो माध्यम है हमारा, मीडियम है किसी के साथ कम्युनिकेट करने का, वो क्या है, लैंग्वेज ही है। और जब फ्रेंच को इसके बारे में पता चला तो वो काफ़ी सदमे में आ गया। ठीक है, और क्योंकि उसे पता चला कि जो ये लास्ट लेसन है उसका फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन होगा, और वो काफ़ी दुखी था क्योंकि उसे फ्रेंच लैंग्वेज पता नहीं थी, लेकिन अब उसे पता था कि ये लास्ट लेसन है, लास्ट डे है, तो उसकी जो इच्छा थी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने की वो बढ़ गई थी। ठीक है, अचानक से उसकी जो इंटरेस्ट था वो बढ़ गया था। वो जो लास्ट लेसन था गाइस, उसने फिर उसे बहुत ध्यान से सुना और सब कुछ सीखा जो लास्ट लेसन में पढ़ाया गया लास्ट डे। एंड जो लास्ट लेसन था गाइस, उसको ध्यान से सुनने के बाद, समझने के बाद, जो उसके जो एक अचानक से उसमें डेवलप स्टार्ट हो गया। क्या डेवलप स्टार्ट हो गया, वो अचानक से एमएमएल को पसंद करने लगा, जो उसकी नफरत थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ठीक है, एंड फ्रेंच में एक रिस्पेक्ट आने लग गई हार्डवर्क के लिए। ठीक है, और जो टीचर्स थे, टीचर की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगा, और फ्रेंच दुखी भी था और उसे शर्म भी आ रही थी अपने ऊपर कि वो क्यों, उसने फ्रेंच लैंग्वेज को क्यों नहीं सीखा, क्योंकि अब तो कोई फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई नहीं जाएगी। वो जो दो डिस्ट्रिक्ट थी कैप्चर कर दी गई थी, ठीक है, प्रसिन द्वारा। तो वो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहा था कि उसने वो फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी, क्योंकि उनकी वो मदर टंग लैंग्वेज थी। जो हेमल नाम, फिर उसने एक्सप्लेन किया कि जो ये फॉल्ट है वो किसका है, वो सभी का फॉल्ट है, क्योंकि उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का। और उसने खुद को भी उसमें इंक्लूड किया, और बताया कि मैं खुद भी ब्लेम करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा तरीके से नहीं सिखाया कि लोगों का इंटरेस्ट फ्रेंच लैंग्वेज में आ जाए, या मोटिवेट नहीं किया स्टूडेंट्स को कि फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए। और जब वो गाइस फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ़ कर रहा था, तो साफ उसका जो फ्रेंच फ्रांस के लिए जो प्यार था, वो देशभक्ति थी, वो साफ नज़र आ रही थी। ठीक है, और उसने ये भी कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की सबसे खूबसूरत और लॉजिकल लैंग्वेज है, और साफ दिखाई दे रहा था कि गाइस एम हेमल इमोशनल हो गए उस ओकेशन पे, एंड उन्होंने क्लास को
रिस्पेक्ट देने के लिए बोला, गार्ड बोलते हैं ना, गार्ड देते हैं खड़े होकर, रिस्पेक्ट देने के लिए बोला उस लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको कोई एक लैंग्वेज आती है तो आप किसी भी चुंगुल से या फिर किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। और साथ में ये भी बोला कि जो ये लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज थी, ये आपको मदद करेगी अगर आपको जर्मन से आपको फ्रीडम चाहिए तो। और लोगों ने रियलाइज़ भी किया कि क्या इम्पोर्टेंस होती है मदर टंग की। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारी हार का सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, गाँव वालों ने ये बोला। तो इन सारे डिस्कशन में जो फ्रेंड्स था, जो ये बातें सुन रहा था, उसे ये रियलाइज़ हुआ कि किसी भी इंसान की लैंग्वेज को उससे अलग करना, यानी कि उस लैंग्वेज, मतलब जो बंदे को कोई लैंग्वेज आती है तो उस लैंग्वेज को किसी बंदे से अलग करना इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, इसलिए क्योंकि गाइस जो लैंग्वेज होती है किसी भी पर्सन को नेचुरल आती है। ठीक है, अब बचपन में तो किसी को सिखाया नहीं जाता कि ये लैंग्वेज ABCD या फिर आसेनार का कबूतर, ये तो नेचुरली आती है ना, तो इसको किसी भी इंसान से रिमूव नहीं किया जा सकता। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि अपोजिशन, यानी कि सामने वाला कितना भी ट्राई करे, किसी की भी लैंग्वेज उससे दूर नहीं की जा सकती। यानी कि क्या है कंक्लूज़न में, अगर मैं कंक्लूज़न दूँ इस समरी का, तो यानी कि आपको कम से कम एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी रेस में पार्टिसिपेट करना है या अपने आप को सेफ गार्ड करना है, एक लैंग्वेज मिनिमम है। लेकिन अगर मैं एटमोस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो वो उसमें आप 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं। जितनी लैंग्वेज आएगी गाइज आपको, उतने ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान वाली कोई बात नहीं है। इसलिए ट्राई टू लर्न मोर लैंग्वेज, एंड आई होप यू लाइक द समरी ऑफ दिस चैप्टर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल आनंद क्लासेस। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।